सब्सक्राइब करें हंस खान यूनिक रेसिपीज़ को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चने के पत्तों के पकौड़े, जो बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही क्रंची और खाने में बेहद लजीज है और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने लिए हैं 250 ग्राम चने के पत्ते, इसको हमने धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, बारीक काट सकते हैं। और हमने यहाँ पर लिए एक कप चना दाल, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पर हमने आधा कप चावल का आटा लिया है, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 हरी मिर्च ली है, तो आप चाहें तो मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना मिर्च सही रहेगा पकौड़े के लिए। और यहाँ पर हमने 10 से 15 लहसुन ले लिए। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर हमने हींग ली है थोड़ी सी। और यहाँ पर हमने भीगी हुई खटाई ली है, ड्राई मैंगो जिसे कहते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, हम पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर बाद में भी हम डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं, साथ ही हम चना दाल को भी पीस लेंगे। तो ये देखिए, चना दाल को भी हमने पीस लिया है। और ये जो हमने लहसुन, हरी मिर्च और खटाई का पेस्ट जो हमने बनाया था, वो हम चना दाल में डाल देंगे। और अब चने की पत्ती हम लेंगे और इसमें हम अच्छे तरीके से इसको मिलाएंगे। इसके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर बनाएं, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरीके से चाहे तो आप चने के पत्तों का रिक्वच भी बना सकते हैं, इसे स्टीम करके हम इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लें तो इसका रिक्वच भी बहुत ही अच्छा बनता है, इसी तरीके से बिल्कुल बनता है। और हमने यहाँ पर पकौड़े बनाए हैं, पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से मसलते हुए, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, और अब हम इसमें नमक जो हम थोड़ा सा बचा था वो हम डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर लें। और चावल का आटा भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से, हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे। बाकी का बचा हुआ चावल का आटा भी हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को गर्म करने को रखा हुआ है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी पकौड़े अच्छे से बनेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे जो हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया है। इसे हाथों पर लेके इस तरीके से दबाकर ऐसे चपटे पकौड़े बना लें इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। आप चाहें तो चने के दाल की जगह पर आप उड़द की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन चना दाल के पकौड़े और भी अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमने यहाँ पर चना दाल का यूज़ किया था। और इस पकौड़े को हम गोल्डन और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पका लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम पलट लेंगे। और इसे थोड़ा सा हम और गोल्डन होने देंगे और क्रिस्प होने देंगे अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं पकौड़े अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम एक पेपर पर निकाल लेंगे प्लेट में। चम्मच को इस तरीके से टेढ़ा करके निकाले तो सारा तेल निकल जाएगा।
तो अब इसमें हम बाकी के जो पकोड़े हैं वो भी हम इस तरीके से बना लेंगे। और इसे आप चाहें तो शाम के नाश्ते में चाय के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है ये पकोड़ा। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे पकोड़े को बना लिया है। हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं, तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। चना दाल पकौड़े की और चने के पत्तों के पकौड़े आपको कैसे लगे, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी है।